दिखाई जा रही है कि दीवार पर बीट सिपाही से लेकर पुलिस के बड़े अधिकारियों के नंबर लिखा जाना काम आया। ऐसी ही एक कार पर सतर्क हुई पुलिस चार ठगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की वर्दी पहनकर मोहल्लों में घूमकर कर वसूली कर रहे अभियुक्त गण मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं। इनके अन्य कई जगहों पर भी इस प्रकार की घटनाएं किए जाने की संभावना है। कोतवाली नगर के मोचीटोला निवासी सावेज जाफरी ने पुलिस को सूचना दी कि 4-5 अज्ञात व्यक्ति पुलिस की वर्दी में कुछ कागज रजिस्टर लेकर मोहल्लों में घूमकर पुलिस कार्यक्रम चलाने के नाम पर अवैध पैसे की वसूली कर रहे हैं, जिसमें पुलिस ने तुरंत अज्ञात के नाम पर मुकदमा पंजीकृत करके मामले की छानबीन शुरू की। मामले में गठित टीम के द्वारा मोचीटोला में पकड़े गए आरोपी सभी निवासी ग्राम इगोरिया बड़नगर थाना इगोरिया जनपद उज्जैन मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। कब्जे में पुलिस की वर्दी धारण किए हुए बिले बेल्ट टोपी रजिस्टर एवं कुछ रुपए बरामद किए गए। परसों सूचना मिली हमें कि चौक क्षेत्र में कुछ लोग करीब 3-4 लोग वर्दी पहन के कुछ कॉलोनियों में जा रहे हैं और उन कॉलोनियों में लोगों से पैसा ले रहे हैं। इस तरह की बात प्रकाश में आई, उस पर हमने टीम लगाया। टीम लगाने के बाद टीम हमारी पूरी वॉचफुल थी और जनता से भी समन्वय किया गया और समन्वय के आधार पर जनता ने बताया कि हाँ अभी समय 4 लोग हैं, तो चौक क्षेत्र में ही उनको वहीं से गिरफ्तार किया गया। और ये लोगों से पूछताछ में पता चला कि ये लोग MP के रहने वाले हैं और UP में आके इस तरह की वारदात कर रहे थे। इनका कहना था कि हम गरीब थे साहब, इसीलिए इस तरह का कार्य कर रहे थे, लेकिन फिर भी इनसे और जानकारी के लिए हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं इस तरह की टप्पेबाजी का भी काम करते हैं कुछ लोग, कभी ये भी प्रकाश में आया है तो उसको भी हम लोग पुष्टि करने के लिए अभी पूछताछ जारी कर रहे हैं। इसके बाद इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करके इनको जेल में टोटल गिरफ्तार। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।